सिखा संगतित्वा संघर्ष करा, संघर्ष करो, खुद को अच्छे बनाने के लिए संघर्ष करो, पढ़ने लिखने के लिए संघर्ष करो, बड़ा बनने के लिए संघर्ष करो, अधिकार जमाने के लिए संघर्ष करो, शासन करने के लिए संघर्ष करो, अच्छे से जीने के लिए संघर्ष करो। जिंदगी में संघर्ष करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने जिंदगी भर संघर्ष किया, कभी पढ़ने लिखने के लिए, कभी अपने समाज के लिए, कभी देश के लिए, बहुत संघर्ष किया। सब लोग जानते हैं अगर बाबा साहब अंबेडकर चाहते तो खुद का जिंदगी बहुत अच्छे से बिता सकते थे, मंत्री बन के बहुत सारा ऐसो आराम के साथ अच्छे से जिंदगी काट सकते थे, मगर उन्होंने जीवन भर अपने समाज के लिए संघर्ष किया। जो समाज जो पिछड़ा हुआ है, जिसको अधिकार नहीं है, जिसको कोई भी सुविधा नहीं है, अधिकार नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे समाज को अधिकार देने के लिए, ऐसे समाज को हक देने के लिए, हित और कल्याण के लिए उन्होंने जिंदगी भर संघर्ष किया। बाबा साहब ने संघर्ष करके गया है तो हमें भी संघर्ष करना है। मैंने बहुत पढ़ लिखा, अभी मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, बस इतने से बस ना करो, अपने लोगों को भी पढ़ाने के लिए संघर्ष करो, अपने लोगों को भी डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए संघर्ष करो। मैंने बहुत सारा पैसा कमा लिया, अभी मेरा मनी अकाउंट खूब खूब ज्यादा है, मैं आराम से जिंदगी जी सकता हूं, मेरे परिवार आराम से जिंदगी जी सकते हैं, नहीं, इतने में बस ना करो, संघर्ष करो, अपने समाज के लोग भी ऐसे ही कमा पाए, अपने समाज के लोग भी आराम से जी सके। बहुत सारे अपने लोग हैं जो पिछड़े हुए हैं, उन लोगों को पढ़ाने के लिए संघर्ष करो, उन लोगों को काम दिलाने के लिए संघर्ष करो, अच्छे जीवन जीने के लिए संघर्ष करो। हम कमाते हैं, जो कमाते हैं उसमें कुछ पैसा अपने समाज के लिए भी खर्चा करो, तो ऐसे चीजों में संघर्ष खूब करना है। बाबा साहब ने इतना अच्छा धर्म, जो वैज्ञानिक धर्म, जो साइंटिफिक धर्म, जहां मानवता को जोड़ देते हैं, इंसान इंसान को एक समान मानते हैं, जो केवल यही सिखाते हैं सब पाप सकरण, कोई भी पाप मत करो, कुशल से उपसंपदा जो अच्छे है कुशल है वो पालन करो, सचित्त परियोदपनं अपने चित्त को परिशुद्ध करो, ये तम बुद्धान शासन, ये बुद्धों का शिक्षा है, ये बुद्धों का उपदेश है, बुद्धों का धम्म है। ऐसे महान धम्म को बाबा साहब ने जाना समझा, फिर जाके खुद वो धम्म का दीक्षा दिया और अपने समाज को भी वही धम्म का दीक्षा दिया, वही धम्म का मार्ग दिया। हम सही मायने में बाबा साहब अंबेडकर के प्रति आदरांजलि देना चाहते हैं तो केवल बाबा साहब के फोटो में, मूर्तियों में हार माला चढ़ाने से सही मायने में आदरांजलि नहीं होगा। अगर उन्होंने दिखाए गए राह पे नहीं चलेंगे, सिखा संगतित्वा संघर्ष करा इसमें हम नहीं चलेंगे, तो बाबा साहब को सही मायने में आदरांजलि नहीं होगा। बाबा साहब ने जो अच्छे धम्म करके वो धम्म का दीक्षा लिया, वो धम्म के मार्ग पे हम अच्छे से चलेंगे नहीं, तो सही मायने में हमने बाबा साहब को आदरांजलि नहीं दिया। जो बाबा साहब ने धम्म का दीक्षा दिया, जो अपने समाज को धर्म का दीक्षा दिया, वो बुद्ध का धम्म, वो बुद्ध का उपदेश, वो बुद्ध का शिक्षा, जहां पे दुख पहचान देता है,
दुख के कारणों को बताता है, दुख मुक्त निर्वाण बताता है और निर्वाण पहुंचने का राह मध्यम मार्ग आर्यस्थानिक मार्ग भी बताता है। तो महाकाल तथा भगवत हमारे जीवन सुख शांत में बनाने के लिए उपदेश देते हैं। धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परामि च। धम्मं चरे सुचरितं, सुचरित धम्म का पालन करना है, अच्छे धम्म का पालन करना है, ऐसे धम्म का पालन करना है जिससे हमारा शारीरिक कर्म अच्छा रहे, ऐसे धम्म का पालन करना है जो हम वाणी से बोलते हैं वो वचन शुद्ध बनाए, ऐसे धम्म का पालन करना है जो मन से जो भी सोचते हैं, कल्पना करते हैं, धारणा लेते हैं उसे अच्छा बनाए, अच्छे सुचरिता धम्म का पालन करना है। नतं दुचरितं चरे, दुश्चरिता पालन नहीं करना, जो शरीर से पाप कराए, जो वाणी से पाप कराए, जो मन से पाप कराए, ऐसे काम नहीं करना, ऐसे धम्म पालन नहीं करना। धम्मचारी सुखं सेति, जो धम्म पालन करने वाले धार्मिक व्यक्ति है, जो धम्मचारी है वो सुखं सेति आराम से रहता है, सुख पूर्वक रहता है, और सही मायने में सुख होता है, ऐसा नहीं कि क्षणिक सुख हो गया, आनंद हो गया और बाद में फिर से बेचैन, फिर से दुख, फिर से संताप, ऐसा नहीं। धम्म करने वालों को आदि मध्य अंत तक सुख होता है, जब हम धम्म करें तब भी सुख, बीच में सुख, और जब तक निर्वाण साक्षात्कार नहीं करेंगे, जब तक दुख मुक्त नहीं होंगे तब तक भी सुख ही सुख मिलता है। जो धम्म करता है, जो सही धम्म करता है, जो अच्छे कर्म करता है, उन लोगों को हमेशा सुख मिलता है। अस्मिन् लोके परम च, और वो सुख भी अभी भी, बाद में भी, यहां भी, वहां भी, ये लोक में भी, परलोक में भी, हर जगह पे सुख मिलता है, हर जगह पे शांति मिलता है, हर जगह पे आनंद मिलता है। बस करना क्या है, अच्छे धम्म पालन करना है, शरीर का काम, वाणी का वचन, मन का सोच, इसे शुद्ध करना है, फिर तो सुख ही सुख मिलना है, सुख ही सुख मिलना है। आइए हम भी संकल्प करते हैं, आज 6 दिसंबर परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का महाप्रयाण दिवस, महापरिनिर्वाण दिवस हम संकल्प करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने जिस धम्म को जान के समझ के वो धम्म का दीक्षा दिया और अपने लोगों को भी वो धम्म का दीक्षा दिया, वो धम्म को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पालन करेंगे और जीवन में दुख मुक्ति के मार्ग पे निरंतर चलेंगे, ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बनाएंगे, सार्थक बनाएंगे। आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, जीवन में ज्यादा से ज्यादा पुण्य धर्म करते हुए सभी दुखों से मुक्त, जन्म जरा व्याधि मरण से अलग निर्वाण तक साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्ध वाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सभी यो विवाजन्तु सब रोगो विनाशतु, माते भव त्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव।
सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब उद्धारो भावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब धर्मान् भावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब संघान् भावेन सदा सोते भवन्तु ते एचितं पाचितं तुयं क्षिप्तमेव समीहतु सबे पूरयन्तु चित्त संकल्पा छन्दोपन्नरसूयता आयुरोग्ये संपाति सग संपातिमेव च अतो निब्बान संपाति इमिनाते समीचतु साधु 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 बुद्धं नमामि बुद्ध को नमन करता हूँ तम्मं नमामि तम्म को नमन करता हूँ संघं नमामि संघ को नमन करता हूँ